हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विनर। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रॉयल्स का मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और नॉटिंघमशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जो कि लैंकाशायर का घर है। अपने होम मैचेस अभी तक दो खेल चुकी है लैंकाशायर इस ग्राउंड पे ऑलरेडी। वेदर मुझे बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ओवरकास्ट हो सकता है, मतलब क्लाउडी वगैरह रह सकता है। लैंकाशायर के मैचेस हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से दो या तीन चार मैचेस मेरे ख्याल से हमने कवर करा है, तीन या चार मैचेस। नॉटिंघमशायर के मैचेस अभी तक हमने बाय वीडियो कवर नहीं करा है। पिछले सीजन में कुछ मैचेस हमने इनके खेले थे, लेकिन अभी तक इस सीजन में हमने एक भी मैच कवर नहीं करा है। तो यहाँ पर पहले मैं नॉटिंघमशायर की टीम के बारे में बताना चाहूँगा। लैंकाशायर के बारे में तो कई बता चुके ही हैं हम। नॉटिंघमशायर की टीम के बारे में अभी अगर आपने इस सीजन में भी इनके मैचेस देखे होंगे, वो पता होगा कि इनका टीम का मेन जो बेस होता है वो इनके बैटिंग में होता है, ठीक है। मतलब लगभग नंबर 6-7 तक तो उनके पास प्रॉपर बैट्समैन ही हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में किसी ना किसी टूर्नामेंट में ओपन भी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इनके पास बैटिंग बहुत अच्छा होता है। अभी इस सीजन में क्या हो रहा है कि जो क्लार्क और एलेक्स हेल्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड कर रही है इनकी बैटिंग। जिन दोनों मैचेस में इन दोनों बैट्समैनों ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, वही दो मैच नॉटिंघमशायर की टीम जीती है। बॉलिंग को लेकर इनका हिस्टोरिकली भी बहुत इशू रहा है, और इस सीजन में भी ये चीज़ बरकरार है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से दो बार इन्होंने कंसीड करके रखा हुआ है 200 के ऊपर रन्स। जो मैच वो जीते हैं वो बैटिंग की वजह से जीते हैं, बॉलिंग तो कतई अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। तो हिस्ट्री भी यही है, आगे जब हम मैचेस डिस्कस करेंगे तब भी आपको यही चीज़ देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विकेट नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, विकेट हो सकता है निकले, लेकिन चार ओवर में शायद कोई बॉलर 50 रन दे रहा है, कोई बॉलर 40 रन दे रहा है, उसके बाद जाके एक दो विकेट गिर रहे हैं वह निकल रहे हैं, यही होता है इनके साथ। हालांकि पिछले सीजन में इनकी टीम में काफ़ी ऐसे प्लेयर्स भी थे जो टीम को काफ़ी अच्छा बैलेंस करते थे, जिनमें से डैनियल क्रिश्चियन थे, इमाद वसीम थे, अभी वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं गई हैं। पहला मैच जीतते जीतते वो जीत नहीं पाए, मतलब दे दिया जैसे मैच वॉर्चेस्टर को टीम को। उसके बाद दो मैच वो हारे भी हैं, और जो दो मैच जीते हैं इसी जो क्लार्क और एलेक्स हेल्स की जोड़ी के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। तो देखते हैं हम इस फिक्स्चर में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस फिक्स्चर में मिलेगा नहीं, क्योंकि हेड टू हेड के जो मैचेस हैं मजॉरिटी ऑफ द मैचेस तो हुए नहीं हैं, और जो मैचेस हुए भी हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे मतलब छोटा हो गया है मैच, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन थोड़े से कम मिलेंगे हमें। लेकिन जो भी है क्या है वो सब कुछ देख के ही हम अपना कॉन्क्लूशन बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले सीजन में दोनों टीमें सेम ग्रुप पे ही रहा है, और नॉटिंघमशायर पहले स्थान पर खत्म करा है उन्होंने। आखिरी पाँच मैचों की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉटिंघमशायर 3-1 से आगे होते दिख जाएगी, ठीक है। ये तो लैंकाशायर का घर है और यहाँ पर वो अच्छा करते भी हैं। पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ तो बेन डकेट और जो क्लार्क, आप देख सकते हैं इनके परफॉर्मेंसेस थे। एलेक्स हेल्स हमेशा ही तेज तरह शुरुआत करके आउट हो जाते थे, ऐसा देखा गया है। इस सीजन में भी ऐसा ही हो रहा है, एक मैच इन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया है, 90 रन बनाया था, इससे सिवा वैसा मतलब वही उनका चल रहा है। हर मैच में स्टार्ट ले रहे हैं, तेज तरह स्टार्ट उसके बाद आउट। और बॉलिंग पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये कुछ बॉलर दिख जाएगा, लेकिन अगर इकोनॉमी को देखने आएंगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी बॉलिंग मतलब कितनी बुरी होती है, स्पेशली जब आप चेसिंग वगैरह करने आते हैं तब। इकोनॉमी आप देख सकते हैं 9.86, 7.5 के नीचे तो कोई है ही नहीं। शमित पटेल काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं जनरली, विकेट भले ही निकाले ना निकाले, लेकिन फिर भी उनका भी 7.5 के ऊपर ही है। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे 2016 से, ठीक है, देखते रहो। यह है नॉटिंघम में मैच हुआ था, लैंकाशायर ने बनाया था 184। करंट स्क्वाड मेंबर्स में सबको शमित पटेल दिख जाएंगे। नॉटिंघमशायर ने चेस कर लिया था, कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कोर्स देखेंगे तो आपको देखेगा 184-185, जो कि चेस भी हो गया था, वो भी दो गेंद रहे थे, तो हाई स्कोरिंग मैच। उसके बाद ये हुआ था वापस से नॉटिंघम में 196 नॉटिंघमशायर ने बनाया था। कोई बॉलर अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्रिश्चियन भी अवेलेबल नहीं है, लैंकाशायर चेस नहीं कर पाई थी, 15 ओवर का मैच था। अच्छा, नोटिस करो कि 196 पहले बैटिंग करते हुए और 15 ओवर में 139, जो भी लगभग अच्छा ही स्कोर है आप कह सकते हैं। डेन विला सबको दिख जाएंगे, क्रिश्चियन, शमित पटेल यहाँ पर भी विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अगला मैच और मेरे ख्याल से आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पर खेल गई है, वो भी 2 साल पहले हुआ है। लैंकाशायर ने बनाया था 151, लो स्कोरिंग रहा है, मतलब नीचे जितने मैचेस हमने देखे उसके कंपैरिजन में। विलास ने यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करा था। बॉलरों में से आपको समित पटेल दिख जाएंगे, ल्यूक वुड जो हैं ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, ये पहले खेलते थे नॉटिंघमशायर के होकर अभी लैंकाशायर की टीम में आ चुके हैं। समित पटेल यहाँ पर एक विकेट भी है और 34 रन भी है। साथ में पार्किंसन जो हमेशा ही मैनचेस्टर में अच्छा करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने करा था लिविंगस्टोन के साथ, 148 पर रोक दिया था नॉटिंघमशायर की टीम को। तो ओवरऑल हमने 3 मैचेस अभी तक देखे हैं, आगे भी मैं एक दो मैच दिखाता हूँ।
हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, लेकिन जो मैच मैनचेस्टर में हुआ है वहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ अलग बातें। वहाँ पे थोड़ा सा रन कम बना है कंपैरिजन अगर हम करें बाकी मैचेस से। अगला मैच ये फिर से नॉटिंगहम में हुआ, 167 बनाया लैंकाशायर ने। विलास यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर नजर आए हैं डेन विलास। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भी से उम्मीद रख भी नहीं सकते, लेकिन जब भी मौका मिला है 30 के आसपास तो रन इनका है ही, ठीक है। और याद रखना बटलर नहीं खेलेंगे आज के मैच में, और सिर्फ बटलर नहीं लिविंगस्टोन भी नहीं खेलेंगे, तो कीपिंग भी अभी डेन विलास ही करने वाले हैं। साथ में कीटन जेनिंग्स आपको दिख जाएंगे, क्रॉफ्ट दिख जाएंगे। शमित पटेल ने यहाँ पर 2 विकेट फिर से निकाला था। शमित पटेल भी एक नाम आ रहा है नॉटिंघमशायर की टीम से जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रहे हैं। नॉटिंघमशायर ने चेस कर लिया। जो क्लार्क आपको दिख जाएंगे और बाकी मोर्स और क्रिश्चियन कुछ परफॉर्मेंस, पार्किंसन, क्रॉफ्ट और लिविंगस्टोन के विकेट्स। और आखिरी जो मैच हुआ था यह है पिछले सीजन का सेमीफाइनल था जो बर्मिंगहम में हुआ था, न्यूट्रल वेन्यू था ये। देखिए जैसे मैंने बताया 11 ओवर का ही मैच हो पाया था, लेकिन 11 ओवर में 94 रन, हाई स्कोरिंग यहाँ पर भी था। क्रॉफ्ट और लिविंगस्टोन, कार्टर, शमित पटेल ने यहाँ पर विकेट निकाला था। नॉटिंघमशायर ने चेस कर लिया था वो भी 8 ओवर 2 गेंद पे। हेल्स के कुछ रन थे, डैनियल क्रिश्चियन के कुछ रन थे, पार्किंसन फिर से यहाँ पर विकेट निकाल रहे हैं हार्टली और महमूद के साथ। तो जो चीज़ हम यहाँ से नोटिस कर पा रहे हैं, एक मैच जो मैनचेस्टर में हुआ है उस एक मैच को छोड़ के हमेशा ही यहाँ पर रन्स बनते हैं, जैसा कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं। एक टीम बैटिंग डोमिनेंट टीम है और एक उसी टीम का बॉलिंग खराब है जो सामने वाली टीम भी रन बनाती है, इजीली हम ये देख पा रहे हैं। लेकिन जो मैच मैनचेस्टर में हुआ था वहाँ पे लैंकाशायर ने शिकंजा कस के रखा था अपने स्पिन अटैक के ऊपर डिपेंड करके, जहाँ पर आपको पार्किंसन के साथ लिविंगस्टोन भी देखने को मिले थे, ठीक है। कुछ नाम आपने देखे हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, जिनमें से पार्किंसन बॉलिंग में से आप देख पा रहे हैं, डेन विलास बैटिंग से देख पा रहे हैं, शमित पटेल कंसिस्टेंटली इन्होंने कुछ ना कुछ करके रखा है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, 1 विकेट या 2 विकेट या 1 विकेट 30 पे 30 रन ऐसा इनके हाथ में हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ आपको क्लियरली मिलने वाला है। एक मैच में जो क्लार्क का रन था, मूर्स के भी कुछ एक मैच में ही रन रहे हैं, एक मैच में हेल्स का, मतलब ऐसा, क्रॉफ्ट एक मैच में, क्रॉफ्ट 2 मैच में, इवन आखिरी 2 मैच में ही इनके रन खाते में रन रहा है, ठीक है। और याद रखना अभी क्योंकि लिविंगस्टोन खेलने वाले हैं नहीं, तो क्रॉफ्ट का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कैसे मैं आगे आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो यही कुछ चीज़ें हैं हेड टू हेड से जो देखने लायक था, ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना है मैंने आपको बता दिया। अब याद है ग्राउंड के बारे में, ये ग्राउंड है लैंकाशायर का घर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो लिविंगस्टोन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एलेक्स डेविस, अभी न जाने इस टूर्नामेंट में कितनी बार दफ़ा हम इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो उस हिसाब से नहीं आ रहा है। एक ही मैच में उन्होंने अच्छा करा था, और सबसे बड़ी बात इस ग्राउंड पे जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं डिस्पाइट हैविंग गुड रिकॉर्ड्स, मतलब इन दोनों मैच से पहले तक उनका औसत इस ग्राउंड पे 40 के ऊपर था, लेकिन इन दोनों ही मैच पर वो खाता ही नहीं खोल पाए हैं और पहले गेंद पर ही आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो यही अब आयरनी है कि मतलब रिकॉर्ड्स इनके इतने अच्छे हैं लेकिन खाता ही नहीं खोल पाए हैं। दोनों ही मैच में फर्स्ट बॉल डक, गोल्डन डक जिसको आप कह सकते हैं उन्होंने करा है, लेकिन रिकॉर्ड्स अभी भी ठीक ठाक ही हैं, 37 का औसत है। और पार्किंसन, जो हमेशा मैं कहता हूँ मैनचेस्टर के ग्राउंड में, मतलब किसी और प्लेयर को आप लो या नहीं लो, पार्किंसन को तो आपको लेना ही पड़ेगा, और आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी एक बार देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पर जब मैचेस होते हैं तो कैसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हुआ था 2020 का मैच, 167 बना। क्रॉफ्ट, ये नाम आज के मैच में आज के लिए बहुत काम पे आने वाला है, कैसे क्यों मैं आगे समझाऊंगा। स्पिनर्स के कुछ विकेट पेसर्स का यहाँ पर था ज़्यादा, यॉर्कशायर चेस नहीं कर पाई, लिविंगस्टोन पार्किंसन के विकेट्स, और भी कोई बॉलर रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगला मैच, अच्छा रन देखिए ज़्यादा बना नहीं, 167 जो चेस नहीं हुआ। उसके बाद 157 यहाँ पर बना था डरहम ने, वुड के विकेट्स आपको दिख रहे हैं, पार्किंसन तो है ही, और यहाँ पर लैंकाशायर चेस नहीं कर पाई, ठीक है। स्पिनर्स ने यहाँ पर अपर हैंड रखा, नंबर्स में वो कम होते हैं, क्वांटिटी में कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेसर्स के बड़ा बड़ा ये निकाल रहे हैं तो अपर हैंड उन्होंने रखा है, आप समझ सकते हैं। रन्स यहाँ पर भी वापस से नहीं बने ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, 154 बना, फिर से पार्किंसन, लिविंगस्टोन और वुड ने यहाँ पर विकेट निकाला था एक, लैंकाशायर उसको भी चेज नहीं कर पाई, लेकिन डेविस क्रॉफ्ट के यहाँ परफॉर्मेंस है, स्पिनर्स का अपर हैंड फिर से। इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं अगर हम उनको देख लें तो 168 बनाया था, जनरली ये रन डिफेंड हो जाता है, लेकिन क्योंकि सामने डर्बिशायर की बॉलिंग थी तो उसको चेस कर लिया लैंकाशायर ने। लिविंगस्टोन, बटलर, एलन ये परफॉर्मर्स से, पार्किंसन तो एज यूजुअल है ही, और वुड वगैरह के विकेट है, पेसर्स का अपर हैंड। और जो आखिरी मैच हुआ था 172, देखिए फिर से देखिए जैसे ही सही बॉलिंग लाइनअप आ गई 172 कितना ईजिली यहाँ पर डिफेंड हो गया, ठीक है। एलन, बटलर और क्रॉफ्ट के परफॉर्मेंसेस हैं, स्पिनर्स के साथ स्पेशल कुछ विकेट, फिर से पार्किंसन के 2 और हार्टली का भी यहाँ पर 1 विकेट था, लेकिन सर चेज नहीं कर पाए। देखिए विकेट ज़्यादा नहीं गिरे थे लेकिन फिर भी वो चेज नहीं कर पाए रन को। तो यही है, मतलब जो हम देख पा रहे हैं
अनलेस कि आपकी बॉलिंग निहायत ही बहुत बुरी नहीं हो तो यहाँ पे रन बना पाना मुश्किल है। 160 से 170 के ऊपर यहाँ पर टारगेट चेस करवाना मुश्किल होता है। स्पिनर्स यहाँ पे खाली हाथ जड़े नहीं जाते हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैं नाम बताऊँ तो मैनचेस्टर में पार्किंसन तो हमेशा अच्छा करते ही हैं। ऊपर आपने कुछ बैट्समैनों के भी नाम देखे हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते नहीं हैं जैसे कि हमने देखा है। प्लेइंग ग्राउंड की बात करते हैं, अच्छा ये है सारी चीज़ें जो ग्राउंड से अवेलेबल थी। आई होप आपने ये नोटिस कर लिया होगा हेड टू हेड से क्या क्या चीज़ें रहा है, जितना था मैंने आपको बता दिया ग्राउंड से ही सारी चीज़ें रही है। आई होप आपने सही से देख लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं और प्लेइंग ग्राउंड की तरह बातें करते हैं। लैंकाशायर की टीम में जो चेंजेस होगा वो है जॉस बटलर और लियाम लिविंगस्टन नहीं खेलेंगे, तो इनके जगह पर कौन आ सकते हैं? मुझे लगता है लाइक टू लाइक चेंज होंगे कीटन जेनिंग्स, ठीक है, जो टॉप ऑर्डर में आएंगे, ओपनिंग भी कर सकते हैं या वन डाउन भी आ सकते हैं। मोटा मोटा ये तीन जो होंगे ये आपके टॉप थ्री को बनाएंगे। एलेक्स डेविस ओपनिंग करने आ सकते हैं, ये जनरली ओपनर ही हुआ करते थे पिछले सीजन में भी, अभी क्योंकि लिविंगस्टोन आ गए थे और एलन भी थे तो इसलिए इनको वन डाउन भेजा जा रहा था, लेकिन अभी ये ओपनिंग वापस से कर सकते हैं। किटन जेनिंग्स कंसिस्टेंट स्कोरर हैं इतना देखा गया है और अच्छे फॉर्म पर रहे हैं काउंटी में। जनरली मतलब बहुत बड़े हिटर नहीं है लेकिन इस राउंड पर हमेशा ही वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऐसा देखा गया है। स्टीफन क्रॉफ्ट अभी इनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? आपने पिछले मैच में भी नोटिस करा होगा, आखिरी जो मैच खेला था लैंकाशायर ने वहाँ पर भी इनको दो ओवर की बॉलिंग मिली थी और एक विकेट भी उन्होंने निकाला था। जब लिविंगस्टोन हुआ करते हैं तो लिविंगस्टोन चार ओवर की बॉलिंग डालते हैं तो क्रॉफ्ट को बॉलिंग नहीं मिलती है, लेकिन अभी क्योंकि लिविंगस्टोन अवेलेबल नहीं है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि क्रॉफ्ट को चार ओवर की बॉलिंग भी मिल जाएगी और बैटिंग में भी प्रमोशन मिल सकता है क्योंकि बटलर मिडिल ऑर्डर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डेन विलास उसके बाद है, कीपर सेक्शन में मुझे लगता है डिफॉल्ट पिक होने वाले हैं आपके लिए और इनके ही रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है तो बटलर को लेकर रखा हुआ है, लेकिन बटलर खेलेंगे नहीं याद रखना। नीचे आते हैं तो एक स्लॉट पे रॉब जोन्स या ल्यूक वेल्स में से कोई एक खेलेंगे और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ट्राइएबल प्लेयर हैं। रॉब जोन्स का क्या है कि वो बैटिंग से ही आपको पॉइंट देंगे लेकिन कंसिस्टेंट स्कोरर हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा कि 20 गेंद में 40 रन बनाने वाले प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली इन्होंने स्कोर करा है ऐसा देखा गया है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्रिकेट में। और ल्यूक वेल्स जो है ये बैटिंग चाहे कैसी भी करें, हिटर है, फिनिशर है, लेकिन बॉलिंग ये काफ़ी अच्छी करे हैं और एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर टीम चाहे तो इन दोनों मतलब इन दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे, अभी कौन खेलेगा ये देखना पड़ेगा। ल्यूक वेल्स मुझे लगता है इनको प्रायोरिटी मिल सकती है क्योंकि इस पिच पर इनका बॉलिंग काम पे आ सकता है और क्योंकि स्पेशली लिविंगस्टोन नहीं है तो एक स्पिनर का जो रोल है वो भी ये निभा सकते हैं। अगर ल्यूक वेल्स आते हैं तो इनको बॉलिंग मिलेगा और अगर इनको बॉलिंग मिलता है तो क्रॉफ्ट के ओवर फिर से कट हो सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। मुझे लगता है क्रॉफ्ट के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, ज़्यादा ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं। दोनों में से कोई एक खेलेंगे, बड़ी लीग में जो भी खेलेंगे आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी दो चीज़ें हैं, एक स्मॉल लीग में इनको ले पाना थोड़ा मुश्किल इसीलिए हो सकता है क्योंकि देखिए नॉटिंगहमशायर की बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, तो इनके पास जब तक बैटिंग आएगी तब तक कितने बॉल्स बचे रहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। स्पेशली रॉब जोन्स की भी बात कर रहा हूँ, ल्यूक वेल्स चलो फिर भी बॉलिंग कर सकते हैं लेकिन रॉब जोन्स को आप तभी ट्राई करिएगा जब आप ऊपर से एलन डेविस, कीटन जेनिंग्स, इन क्रॉफ्ट, इन चारों में से मिनिमम दो को छोड़ रहे हो क्योंकि इनके पास प्रॉपर टाइम आएगा तभी ये आपके लिए कुछ काम पे आ सकते हैं। ये बहुत बड़े हिटर नहीं है याद रखना, लेकिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन हैं। हो सकता है आज के मैच में नहीं लेकिन आने वाले समय में आपको ज़रूर से समझ आएगा कि इन दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है। बॉलिंग पे ल्यूक वुड हैं, लैम, बेली, पार्किंसन, हार्टली। ल्यूक वुड आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे बस यही है। और हर सीजन में ही एक दो मैच ल्यूक वुड का जाता ही है जहाँ पर वो बंचेस में कुछ विकेट निकाल कर जाते हैं और उसका कुछ खास प्रेडिक्शन अब नहीं कर सकते। आज के मैच में भी हो सकता है क्योंकि अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा उनका पुराने प्लेयर्स के बारे में। बाकी ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। पार्किंसन तो मस्ट हैव है ही और बॉलरों में से किसी को कैप्टन फर्स्ट रन बनाने की सोच भी रहे हो तो पार्किंसन ही होने चाहिए, इसमें कोई मतलब दूसरी बार सोचने वाली बात नहीं है। बाकी बेली और हार्टली में से अगर आप चाहो तो किसी को ले सकते हो। बेली हमारे लिए हमेशा ही प्रायोरिटी रखते हैं क्योंकि इनके पास अर्ली स्ट्राइक्स देने की भी एबिलिटी है और बंचेस में भी ये विकेट निकाल सकते हैं। नॉटिंगहमशायर की तरफ से बात करें तो ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है जहाँ पर हिल्स और क्लार्क ओपनिंग करेंगे। बुटिंगर को पिछले मैच में खिलाया गया था पीटर ट्रेगो के जगह पर, ठीक है। पीटर ट्रेगो को लगातार मौके मिले थे, 20-25 करके रन बनाते थे और वो भी मतलब अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के अलावा, मतलब स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं रहता था, रन जरूर बनाते थे लेकिन इसीलिए टीम इनको रिप्लेस कर चुकी है बुटिंगर से। अब ये बुटिंगर कौन है? बुटिंगर लोअर डिवीजन क्रिकेट में ना सिर्फ T20 सर्किट में बल्कि लिमिटेड ओवर के जितने भी मैचेस या टूर्नामेंट्स हुए हैं हर जगह पर इन्होंने खुद को साबित करके रखा हुआ है,
ठीक है। काफ़ी लोग होंगे जो इनके बारे में शायद नहीं जानते होंगे, स्मॉल लीग में इनको ले पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हेल्स और क्लार्क इन दोनों में से किसी एक के ऊपर रिस्क ले पाते हो तो बुटिंगर को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। ये मतलब इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। प्रॉब्लम एक ही है कि ये लैंकाशायर का टीम है, लैंकाशायर की टीम है जिनके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, और ये मैनचेस्टर का ग्राउंड है, तो यहाँ पे आके वो क्या करेंगे यही एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप एक बैटिंग हैवी टीम बनाना चाहते हो, जो आप बना भी सकते हो क्योंकि इस फिक्चर में काफ़ी रन्स बने हैं, तो मुझे लगता है बुडिंगर एक ऑप्शन है अगर आप क्लार्क और हेल्स में से किसी एक को ड्रॉप कर पाते हो तो। ठीक है, नीचे बेन डकेट मस्टाप है, हम इनको छोड़ नहीं सकते। मतलब अच्छे फॉर्म पर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल हैं। आपने देखा होगा क्लार्क और हेल्स ने भले ही ज़्यादा रन्स बनाए हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो बेन डकेट का ही कंसिस्टेंसी ज़्यादा नज़र आ रहा है। नीचे टॉम मोर, शमित पटेल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाएगी और हमेशा ही इस फिक्चर में उन्होंने कुछ ना कुछ करके रखा हुआ है। मुलानी, कैल्विन हैरिसन एक और लेग स्पिन बॉलर हैं लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दी जा रही है। उसके बाद ल्यूक फ्लेशर, कार्टर और बॉल। कार्टर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न में, हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं इस टीम के होकर, तो आप ले सकते हैं इन्हें। बॉलिंग फर्स्ट में बॉल और फ्लेशर में से कोई एक आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए, स्पेशली फ्लेशर की मैं बारे में करना चाहूँगा क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवा रहे हैं ये। कार्टर आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि अच्छा कर रहे हैं और पिच पे स्पिनर्स के लिए काम है तो इसीलिए। तो लेकिन हमारे लिए स्मॉल लीग में जो जो प्लेयर्स होंगे, मैं अगर बुडिंगर को ट्राई करना चाहूँ जो कि मैं शायद कर लूँ, तो इन दोनों में से कोई एक को मैं ड्रॉप करूँगा क्योंकि नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कैसे मैं आकर आपको समझा दूंगा, तो इन दोनों में से किसी एक को ही मैं लूँगा अगर बुडिंगर को नहीं है, नहीं तो अगर बुडिंगर के रिस्क मैं नहीं लेता हूँ तो हेल्स और क्लार्क दोनों ही आपको दिख जाएंगे क्योंकि ये दोनों ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है। ठीक है, आप जिसको भी ड्रॉप करेंगे मतलब रिस्क रह जाएगा क्योंकि अपने दिन पे ये सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद बेन डकेट, शमित पटेल और यहाँ से ल्यूक फ्लेचर बॉलिंग फर्स्ट में, और नहीं तो कार्टर तो है ही सेफ पिक जिनको हम रख सकते हैं। कैप्टन मैस्टर चॉइस की बात करें तो लैंकाशायर के होकर, माफ करना वो अपडेट नहीं किया था मैंने, लैंकाशायर के होकर फिन एलन और पार्किंसन के आसपास लोग जा सकते हैं क्योंकि जो जो परफॉर्मर रहे हैं वो तो अभी अवेलेबल है नहीं। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो लिविंगस्टोन को कैप्टन बना के रखे हैं लेकिन ये तो बदलेगा ही जब लाइनअप अनाउंस होगा। उसके बाद डेविस और क्रॉफ्ट, डेविस का सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन जब लोग लिविंगस्टोन देखेंगे नहीं खेल रहे हैं तो काफ़ी लोग डेविस को लेकर जाएंगे, इसे कॉन्सिडर करके रखना। क्रॉफ्ट भी आपके टीम में होने चाहिए क्योंकि अभी मुझे लगता है इनको प्रॉपरली यूज़ करने वाली है टीम क्योंकि लिविंगस्टोन बटलर दोनों ही नहीं है। उसके बाद विलास ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं कीपर सेक्शन में, और रॉब जोन्स वेल्स जो भी खेले, बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो, छोटी लीग में मुश्किल होगा क्योंकि काफी सारे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं बैटिंग सेक्शन में जिनको आपको कंसीडर करना है। नोटिंघम शायर के होकर हेल्स और क्लार्क, इनके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि और कोई अच्छा कर भी नहीं रहे हैं। बेन डकेट ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं इन दोनों में से तो मेरे टीम में ये पहले होंगे और इन दोनों में से कोई एक। शमित पटेल उसके बाद, और बुडिंगर और फ्लेचर में से अगर आप कंसिडर करना चाहते हो, ल्यूक फ्लेचर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, डेथ ओवर में इनकी काफ़ी बॉलिंग अच्छी होती है ये देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवाय भी अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम के सर्च बार पर @teams4win विदाउट स्पेस लिख के, तो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर चैनल आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में आपको टीम्स मिलती रहती है यहाँ पर, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी, तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ अभी के लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है और मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूं कि बुडिंगर को छोड़ के बाकी के जो 8 प्लेयर्स हैं ना, ये मेरे स्मॉल लीग में आपको ज़रूर से दिख जाएंगे। बुडिंगर को हो सकता है कि मैं पर्सनली ट्राई करूं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लार्क और हेल्स में से किसी एक के ऊपर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और काम कर सकते हो कि यहाँ पर डेविस और क्रॉफ्ट में से किसी एक को ड्रॉप करके क्लार्क और हेल्स दोनों को भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं करना चाहता। क्रॉफ्ट काफ़ी काम पे आएंगे आज के मैच में, मैं नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी आज के मैच में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है उनके अगेंस्ट में कहने लायक कि खराब फॉर्म है या फिर ऐसा कुछ। डेविस का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मतलब क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, एक मैच में जो चले हैं वहाँ पर उन्होंने दिखा दिया उनकी एबिलिटी क्या है, जो भूल गए होंगे। ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं लेकिन कुछ खराब शॉट्स खेल रहे हैं, कुछ खराब लक आप कह सकते हैं, तो अच्छा नहीं गया है इनके लिए। और जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, जहाँ जहाँ पर मैंने इस सीज़न में अभी तक डेविस के ऊपर भरोसा करा है वहाँ पर ही उन्होंने मतलब पूरी तरह से स्क्रू कर दिया है मुझे, तो इसीलिए बाकी मुझे चाहिए ये दोनों। लेकिन अगर आपको बुडिंगर भी लेना है और क्लार्क और हेल्स में से किसी को छोड़ना भी नहीं है, तो आपको डेविस या क्रॉफ्ट में से किसी एक की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी।
बाकी सब कुछ सही है, समित पटेल है, कार्टर है, पार्किंसन है। बॉलर में से एक स्लॉट जो पहले बॉलिंग करेंगे, फ्लेचर और बेली में से किसी एक को लेना है आपको, जो भी टीम पहले बॉलिंग करेंगे। ठीक है, फ्लेचर मस्ट है हमें अगर नॉटिंघमशायर पहले बॉलिंग करते हैं, और बेली अगर लैंकाशायर पहले बॉलिंग करते हैं तो। ठीक है, कैप्टन वैसे हम चॉइस की बात करें तो एलन मुझे लगता है इस मैच में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इस सीज़न में मैच्योरिटी दिखा दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे हिट ही करना आता है, उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करना दिखा दिया है। नॉटिंघमशायर की बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है तो वो चीज़ इनके सपोर्ट में जा सकता है, और ऑफ कोर्स डेविस का तो ऑप्शन रहता ही है। बड़ी लीग में खेल रहे हो या फिर छोटी लीग में थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो पार्किंसन और शमित पटेल कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, ये थोड़ा सेफ होगा क्योंकि पार्किंसन देखा गया है कंसिस्टेंट पॉइंट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर एक ही विकेट निकालते हैं तो शायद कैप्टनसी के लिए उतने मतलब अच्छे ऑप्शन नहीं बने, लेकिन यहाँ पर वो वन चेस में विकेट निकालते हैं यह देखा गया है। और शमित पटेल जो इस फिक्स्चर में कंसिस्टेंटली काम करते हैं, कुछ नहीं तो मतलब 25-30 रन एक विकेट वही इनके लिए काफ़ी होता है, और इस पिच पे इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। ठीक है, और अगर रिस्क लेना है तो एलन डेविस इवन क्रॉफ्ट के साथ भी आप जा सकते हो। ठीक है, क्रॉफ्ट ऑलराउंडर की तरह काम पे आएंगे तो ये रिस्क नहीं होगा, ये कंसीडर कर सकते हो आप। डेविस और एलन आपको बैटिंग से ही पॉइंट देंगे। अभी हो सकता है डेविस फिर से पहले गेंद पर खराब शॉट खेलें और आउट हो जाए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑप्शन के तौर पर हमेशा ही आपके पास रह जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि इस मैच की लास्ट मोमेंट सारी अपडेट्स वगैरह आपको वही मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।